क्लास थर्ड टुडे आई विल टीच यू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स बुक। वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर टू फ्रॉम चैप्टर सिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमको क्या दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस। आपने क्या करना है, इनमें बॉक्सेस में फिल करना है मल्टीप्लिकेशन करके। ओके सो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, ऑलवेज ज़ीरो। देखिए क्या रखा है हमारा, कितनी भी डिजिट को हम चाहे स्मॉल हो चाहे ग्रेटर हो, ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा हमारा आंसर, ज़ीरो। देन हम अगर किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन हमारा आंसर क्या आता है, सेम जो हमें डिजिट दी होती है वह सेम आंसर आता है। देखिए 9 का 9 है, 15 का 15 है, 399 का 399, देन ये भी सेम है। ओके ज़ीरो से करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। देन हम अगर किसी भी नंबर के साथ करते हैं, मोर देन नंबर से हम डिजिट करते मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको क्या करते हैं, हम टेबल को काउंट करते हैं। जैसे कि 8 4 32, 4 8 32, चाहे हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें चाहे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा हमारा, सेम। सो 8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और या फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो आंसर क्या आता है हमारा, हमेशा इक्वल, मीन्स इसका भी 32 इसका भी 32, तो ये क्या होते हैं, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या दिया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, 217 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर हमारा क्या आएगा, ज़ीरो। अब हमें यहाँ क्या दिया है, 119 मल्टीप्लाई बाय वन, वन से करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है, सेम, क्योंकि 1 9 9, 1 1 1, 1 1 1, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1257 से, आंसर क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा, सेम मीन्स 3597। फिफ्थ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया हमने, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा ज़ीरो आए, आपको पता ही है किससे करते हैं हम मल्टीप्लाई कि आंसर ज़ीरो आता है, देन यहाँ क्या आएगा हमारा, ज़ीरो, ज़ीरो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी हमारा ज़ीरो आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, किससे हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा सेम आए, किससे किया था हमने ऊपर मल्टीप्लाई, वन से, आंसर किया था हमारा सेम, क्या आएगा यहाँ पे, वन। अगर हम 8159 को मल्टीप्लाई करेंगे वन से देन आंसर हमारा सेम आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन, 92 मल्टीप्लाई 57 इक्वल टू बॉक्स में क्या आएगा, मल्टीप्लाई 92, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा इक्वल कैसे आएगा, 92 तो हमें यहाँ दिया हुआ है, 57 नहीं दिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 57, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, हो गए ना इक्वल दोनों। एट्थ क्वेश्चन, 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो क्या आएगा आंसर हमारा, ज़ीरो। नाइन्थ क्वेश्चन, 190 मल्टीप्लाई 457 इक्वल टू किसके है, क्या आएगा यहाँ पे, आपको सेम डिजिट दी हुई है 190 190, यहाँ पे क्या मिसिंग है, 457 मिसिंग है। ओके ये दोनों क्या है, इक्वल। सेवनटीन क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, टेंथ में भी 17 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 9, 17 भी है 15 भी है और 9, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 9, क्या है दोनों इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, यह थी हमारी एक्सरसाइज 2, आपने ये अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करनी है। ओके थैंक यू।